सजनवा पुलिस द्वारा वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सजनवा पुलिस नौ जिगना पुल के पास बाइक से आ रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे बचते हुए पुलिस ने बाइक चला रहे एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि एक युवक फरार हो गया। पकड़े गए युवक की पहचान करीम अंसारी पुत्र खजमुद्दीन निवासी नकोड़ी थाना सिकरीगंज जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जबकि सुरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू कटाई पुत्र स्वर्गीय रामकरण सिंह निवासी कटाई थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 12 बोर का एक देसी तमंचा, 12 बोर का एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, उसके ऊपर कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि फरार अभियुक्त की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया तो एसओ सैजनवा और मैं उनकी टीम के साथ वो चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनको मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि गुड्डू कटाई और कासिम अंसारी करके ये जो दो व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल शातिर अपराधी हैं और कई मुकदमों के इनका नाम है, ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए सैजनवा एरिया में आ रहे थे। तो जैसे इनको सूचना मिली ये बीटी रावत चौराहे पे वहाँ पे ये लोग मौजूद रहे और बाइक की चेकिंग इन्होंने शुरू की। बाइक की चेकिंग करते दौरान इनको एक संदिग्ध बाइक दिखी जाते हुए, उन्होंने बाइक को रोकने की कोशिश की टॉर्च दिखा के और आवाज़ लगा के, पर इन्होंने रोकी नहीं। आगे जाने के बाद जब बहुत पुलिस वाले इनके पीछे लग गए तो इन्होंने रोकी बाइक को। कुछ ये दो लोग थे, उसमें से गुड्डू कटाई पीछे बैठा था, उसने गाड़ी से उतरा और उसने एक राउंड पुलिस पे फायर भी किया था, वो राउंड लकीली मिस हो गया। इसमें दूसरा जो व्यक्ति था कासिम अंसारी, वो भी अपनी बाइक के और ऊपर से उसने भी कट्टा निकाल के उसने भी फायर किया। पुलिस ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ दिखाई इसमें और एक अपराधी कासिम अंसारी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया बाइक के साथ। बाकी दूसरा जो अपराधी गुड्डू कटाई, ये भाग गया वहाँ से। तो अभी उसकी ये जो भी है इन्फॉर्मेशन पुलिस ले रही है। जो अभी गिरफ्तार जो हुआ है कासिम अंसारी, ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है। करीब 7 मुकदमे काफ़ी जनपद, मतलब बगल के जनपद है, गोरखपुर है, इनमें भी इसके ऊपर दर्ज है और इससे जांच अभी पूछताछ की जा रही है।